Hello everyone, myself Gaurav Dubey and I am working as sorting assistant and selected through CHSL 2016 and iske alawa CGL 2017 mein I got selected at the post of tax assistant. तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बनाया है और उस वीडियो में बहुत लोगों के कमेंट्स आए और मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे कई लोगों के मैसेजेस आए कि मतलब वो 100% इस एग्ज़ाम में नहीं दे पा रहे हैं, प्रिपरेशन में नहीं दे पा रहे हैं. उनके कुछ रीजंस इस तरीके से थे कि वो आर्ट साइड के थे, मतलब उन्होंने टेंथ के बाद आर्ट साइड चुन ली तो उन्हें मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है. कुछ लोग बायो साइड के थे तो उनका कहना था कि उनको मैथ्स छूट गई उनकी. और कुछ लोग मैथ साइड के भी थे जिनकी ये कंप्लेंट थी कि आर्ट साइड, मतलब उनके आर्ट्स वालों को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि उनको वो सब्जेक्ट मिल जाते हैं जीएस के जो हमको नहीं मिल पाते हैं. तो जितना मुझे इस प्रिपरेशन में समझ में आया कि इस प्रिपरेशन में ये चीज़ बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती है कि आपने टेंथ के बाद क्या पढ़ा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक तो उनका लेवल अलग रहता है, दूसरी चीज़ ये है कि वो कहीं से भी नाइन्थ और टेंथ की पढ़ाई को रिलेट नहीं करते हैं. जैसे मैंने खुद केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स रखी थी अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में, तो वो कहीं पर भी जो भी जीएस एग्ज़ाम में आती है सीजीएल या सीएचएसएल के या जो मैथ्स आती है उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है. तो आप टेंथ के बाद आपने क्या पढ़ा इस तैयारी में वो चीज़ बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती है. ठीक है, तो आप लोग इस डाउट को अपने मन से निकाल दीजिए और नाइन्थ और टेंथ तक का आपने जो पढ़ा हुआ है सभी लोगों ने कॉमन पढ़ा हुआ होता है तो उसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए. अच्छा, और एक और डाउट रहता है लोगों को कि हिंदी मीडियम के हैं तो उनको इंग्लिश में खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कैसे उस चीज़ को टैकल किया जाए, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा और साथ में आज मैं आप लोगों को मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी और किस तरह से आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, तो उस बारे में डिस्कस करूंगा. अच्छा, एक चीज़ और है कि सीजीएल और सीएचएसएल एग्ज़ाम की कोई अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होती है. कॉमन बुक्स, कॉमन अप्रोच रख के चलिए. लेवल लगभग टीयर वन का दोनों का ही सेम है, बस टीयर टू के लिए आपको सीजीएल में ज़्यादा मेहनत करनी होती है मैथ्स और इंग्लिश के रिस्पेक्ट में. तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन कॉमन बुक्स ही रखिए, मैथ्स की भी और इंग्लिश की भी, और दोनों की एक ही प्रिपरेशन मान के चलिए और आपको दोनों में ही वो प्रिपरेशन बेनिफिट करेगी. तो अलग अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कैसे क्या क्या पढ़ा. अच्छा, इससे पहले एक डाउट और कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो वीक है पढ़ाई में और इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो पढ़ के थोड़ा पढ़ के निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है. देखिए, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. आप अगर मेहनती हैं तो इंटेलिजेंस को आप हरा सकते हैं और ये चीज़ मैंने बहुत देखी है. 1-3% लोग हो सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हो दूसरे से और कम मेहनत से निकल जाए, लेकिन जो मेहनत करने वाले होते हैं वो 96-97% लोग होते हैं और मेहनत से इंटेलिजेंस कमाई जा सकती है और सिलेक्शन भी पाया जा सकता है. तो बात करते हैं, देखिए मैंने क्या पढ़ा, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया और कौन सी बुक्स पढ़ी, इस बारे में बात करता हूँ. तो मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव की एक बुक है 7300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और हर सब्जेक्ट के अच्छे क्वेश्चंस हैं. देखिए, वैसे तो आप कोई भी बुक लगाओगे, स्टैंडर्ड बुक जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, किरण पब्लिकेशन हो गई, ये सब बुक्स अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं और मैंने भी ये सभी बुक्स लगाई हुई हैं और मैंने कई कई बार ये बुक्स लगाई हुई हैं. इवन राकेश यादव की भी ये बुक मैंने कई बार लगा रखी है. और देखिए, कई बार का ये मतलब नहीं होता है कि आप हर बार एक एक क्वेश्चन लगाते हो. जैसे अगर कोई कह दे कि वो पांच बार, मैं ही कहूँ कि मैं पांच बार राकेश यादव लगाऊँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पांच बार हर क्वेश्चन को लगाया, सालों बीत जाएंगे इस तरीके से, तो ऐसा नहीं होता है. आप 1-2 बार पूरी बुक को लगाते हो, हर क्वेश्चन को लगाते हो, उसके बाद आपको समझ में पैटर्न आ जाता है चैप्टर का और आपको ये पता चल जाता है कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं. तो आप जब क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हो तो आपको ये पता चलने लगता है कि पर्टिकुलर टाइप का ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उनको स्किप करते हो.
और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप टिक कर लेते हो, और हर टाइप का भी एक एक क्वेश्चन टिक कर लेते हो अपना दूसरी तीसरी बार जब आप बुक लगा चुके होते हो उसके बाद। तो जब आप फिर से रिवीजन अपना करते हो चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देते हो, और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लगा के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको, जो आपने टिक लगा रखे हैं उनको ही तैयार करके आप अपनी बुक को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हो। रिवीजन इसी तरीके से किया जाता है मैथ्स का। तो मैथ्स के लिए मेरी जो बुक है, ये मेरी बुक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। इसका फ्रंट तो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसका ये है 7300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब शायद इसके क्वेश्चंस बढ़ गए हों, राकेश यादव की बुक है ये। तो मेरा हो गया बुक का सोर्स हो गया। उसके बाद किरण पब्लिकेशन की भी मैंने बुक लगाई है, और आर एस अग्रवाल की भी मैंने बुक लगाई है। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे अभिनय मैथ्स चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो किया, और इस चैनल को देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का नजरिया बदल जाता है, और क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से एक अलग एंगल से सोच सकते हैं और उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मोहित गोयल एक सर हैं, उनके यूट्यूब वीडियोस भी काफ़ी अच्छे हैं। जब आपका एक लेवल पे प्रिपरेशन हो जाती है मैथ्स की, तो आप जो होता है कि आप आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत जल्दी से आंसर पर आप पहुंच जाते हो, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप आंसर्स पे पहुंच जाते हो। तो अच्छे टीचर्स है, जब आप पढ़ते हो, मोहित गोयल हो गए, अभिनय सर हो गए, इन जैसे टीचर से पढ़ने के बाद आप अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हो आंसर्स तक पहुंचने के। तो इस मामले में ये टीचर्स मुझे अच्छे लगे, और भी टीचर्स बहुत अच्छे होंगे, बट बहुत ज़्यादा मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत सोर्सेस पे नहीं रखे, मैंने अपनी प्रिपरेशन में नहीं रखा। मैंने 2-3 टीचर्स को यूट्यूब पे ही फॉलो किया, और अच्छा खासा मटेरियल वहाँ से मिल गया, और इसके अलावा मैंने 1-2 बुक्स को ही बार बार लगाया। और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करिए। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। देखिए, इंग्लिश के लिए तो बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन मैंने जो बुक लगाई अपनी प्रिपरेशन में, वो बुक ये है MB पब्लिकेशन की, अजय कुमार सिंह की ये बुक है, और ये 133 सेट्स की ये बुक है। अब शायद और सेट्स इसमें बढ़ा दिए गए हों, ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, और आप इस बुक को लगा के अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा एक बुक है SP बख्शी, वो बुक भी मैंने लगाई है, बट उस बुक के देखिए रूल्स, उस बुक के आप पढ़ लोगे, लेकिन उसकी जब आप एक्सरसाइजेस लगाओगे तो उसके जो आंसर्स होते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती रहती है, और बच्चा बीच में ही अटक जाता है कि यार, मतलब उस बुक से आपको 100% चीज़ नहीं मिल पाती है कि प्रैक्टिस भी हो जाए और थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिल जाए। तो इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए वो बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, और प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हो, MB पब्लिकेशन की, अजय कुमार सिंह सर की ये बुक है। और मैंने इसी बुक को ही कई बार लगाया और अपनी प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा मैंने YouTube से जो पढ़ा वो मैंने CGL एप्टीट्यूड पाठशाला, एक चैनल है, वहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी, हर चैप्टर की एक सीरीज है। शायद अब उन्होंने पहले 2017 में 17 के नाम से थी, अब वो 18 के नाम से कर दी उन्होंने, तो उसमें चैप्टर वाइज पूरी सीरीज है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है उनका, आप उससे फॉलो कर सकते हो। खासकर वो उनके लिए भी अच्छा है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और समझाया है, और आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। इसके अलावा जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, न्यूज़पेपर, आप द हिंदू न्यूज़पेपर ले लीजिए, और एक पेपर ले लीजिए, 8 रुपए का आता है, और आधा रोज़ लेने की जरूरत नहीं है, आधा पेपर, एक पेपर आप जितना पढ़ पाते हो अपना आधा एक घंटा रोज़ दीजिए और उसको पढ़िए। एक पेज आप एक दिन में पढ़ लीजिए, और एक नोटबुक बनाइए, और उस नोटबुक में आपको उसमें जितने भी लेटर्स मिलते हैं, मतलब जो भी वर्ड्स मिलते हैं जो आपको नहीं पता है मीनिंग, उनको लिखते जाइए, और साथ में फ्रेजल वर्ब भी आपको मिलेंगे, उसमें idiom भी मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें आप उसमें लिखते जाइए, गूगल पे सर्च करके उसके आंसर्स ढूंढिए। थोड़ा ये शुरुआत में थोड़ा सा बल्की हो जाता है और हेक्टिक सा लगने लगता है, मन नहीं करता है कि यार क्या रोज़ कर रहे हैं इतने सारे वर्ड्स, बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और आप 1 महीने के आसपास पहुंचोगे, आप देखोगे कि आपका काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो गया है, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको ग्रामर की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ किस तरीके से होती है उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाता है। इसके अलावा आपको सेंटेंस के अलावा आपको वर्ड्स का नॉलेज होने लगता है, आपको idiom phrases मिलने लगते हैं, और धीरे धीरे उन जो आपके वर्ड्स होते हैं जो आप रोज नोट डाउन करते थे, हो सकता है शुरुआत में आप 200-250 वर्ड्स एक पेज से निकालते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपके वो नंबर ऑफ वर्ड्स कम होते जाएंगे और
क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको पैसेज में भी बहुत हेल्प मिलेगी, साथ में आपको पूरे इंग्लिश के पेपर में न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ऐसा ही करिए, एक न्यूज़पेपर लीजिए और उसका एक पेज रोज पढ़िए, आपके 15-16 दिन निकल जाएंगे, अच्छे खासे पेजेस होते हैं द हिंदू के पेपर में, और ये तैयारी से आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं जीएस की बात आता हूँ। जीएस के लिए लोगों को बहुत टेंशन रहती है, जीएस कैसे करनी है। तो देखिए, जीएस के लिए सीजीएल और सीएचएसएल के लेवल पे आप क्या कर सकते हो कि आप ल्यूसेंट की बुक आती है तो ल्यूसेंट की बुक पतली होती है, इतनी मोटी बुक नहीं होती और सब कुछ समराइज्ड वे में उसमें दिया होता है। तो आप ल्यूसेंट की एक थ्योरेटिकल बुक जिसमें सारी थ्योरी दी हुई है और एक ऑब्जेक्टिव बुक, ये दोनों बुक से आप परचेज कर सकते हो और थ्योरी से आप थ्योरी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चंस लगाइए। इसके अलावा हिंदी में एक घटना चक्र नाम से सीरीज आती है, उसकी 7-8 बुक्स होती हैं हर सब्जेक्ट की, आप उस बुक को ले सकते हो। अगर इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता है, बट हिंदी में आती है और मैंने हिंदी में ली थी उस बुक को। उस बुक में आपके पास मतलब कह सकते हैं लोअर पीसीएस के, पीसीएस के और आईएएस के, एनडीए के, सीडीएस के, इसके आपके पास जीएस के क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस वही होते हैं जो बहुत कॉन्सेप्चुलाइज होते हैं और जो बार बार आते हैं इन पेपर्स में, अच्छे पेपर्स में। और उस बुक में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उससे उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए कि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस पे कोई क्वेश्चन है कि क्या ये कॉनकेव लेंस का यूज है, इनमें से कौन सा है, तो आप एक आंसर टिक लगाओगे बट उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें कॉनकेव लेंस के सारे यूजेस के बारे में बताया गया होगा और साथ में कॉन्वेक्स लेंस के भी सारे यूजेस के बारे में बताया गया होगा। तो इस तरीके से एक तो वहाँ पे टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे उठे होते हैं क्वेश्चंस के लिए और साथ में जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उसमें पूरे कॉन्सेप्ट की मतलब पूरे टॉपिक की ब्रीफिंग होती है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए और साथ में आपके जो मेन टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स भी कवर होते जाएंगे। तो घटना चक्र एक बहुत अच्छी सीरीज की बुक है, आपको 1000 के आसपास पड़ेगी वो पूरी सीरीज, बट वो वर्थ है पैसे और आपको बहुत मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में आपकी जीएस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ल्यूसेंट और क्या बोलते हैं घटना चक्र, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के लिए देखिए क्या बताएं, रीजनिंग की आप कोई भी एक नॉर्मल बुक उठा लीजिए या फिर आप कोई मॉक टेस्ट पेपर से कुछ पेपर उठा लीजिए रीजनिंग के और उसको प्रैक्टिस करिए। साथ में आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं जो आप वो रीजनिंग पढ़ाते हो, मैंने हालांकि ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हो। और रीजनिंग में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। साथ में अब हम अगर टाइम टेबल की बात करें तो देखिए, कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, कुछ लोगों की जीएस अच्छी होती है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि सबका अलग अलग टाइम हो सकता है, कौन किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सब कुछ नॉर्मल ही है और वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप मैथ और इंग्लिश को बराबर टाइम दे सकते हो और जीएस को भी उतना ही टाइम दे सकते हो। रीजनिंग को आप मान के चलिए 1/4 टाइम दीजिए जो आप इन चीज़ों को टाइम दे रहे हो। कहने का मतलब है अगर आप 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो, 2 इंग्लिश और 2 घंटे आप जीएस को दे रहे हो तो टोटल आपके 6 आवर्स हो गए और हाफ आवर आप दे सकते हो रीजनिंग को, तो 6.5 घंटे का शेड्यूल हो गया। इसको जस्ट डबल कर दीजिए क्योंकि 12-13 घंटे आप पढ़ोगे तो आप एक साल में इस तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो कि आप सीएचएसएल और सीजीएल 1 गो में निकाल दो। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट हो तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था और बहुत नॉर्मली मेरा हमेशा पढ़ाई का एक लेवल रहा है, तो मैं अपने लेवल से ही बता सकता हूँ। बाकी बहुत लोग 6 महीने में भी निकालते हैं, बहुत लोग 4 महीने की तैयारी में भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और बहुत अच्छी रैंक पे आ जाते हैं। तो मैं एक जनरल व्यू आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इस प्रिपरेशन को कर सकते हो। और ठीक है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस और मैंने कैसे पढ़ाई करी वो मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपकी और कोई भी क्वेरी हो सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम से रिलेटेड या फिर सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने उसका रिटर्न भी 5 टाइम्स क्लियर किया है, इसके अलावा मैंने एक स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी प्री क्लियर किया था, तो जीएस की प्रिपरेशन के लिए भी अगर आपको कोई फर्दर बुक्स मतलब पता करनी हो जो आगे की तैयारी के लिए आपको किसी लेवल पर, तो वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। फिलहाल अभी सीजीएल और सीएचएसएल तक ही लिमिटेड रखते हैं। और ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और जैसा मैं कहता हूँ एक बेहतर इंसान बनिए। ऑल द बेस्ट।